हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दी वायरल कोल्ड गर्ल मेकअप ट्यूटोरियल, वो भी बस 5 मिनट में। हाँ, बस 5 मिनट में आप ये मेकअप कर लोगे। ये अभी इंटरनेट में काफ़ी वायरल हो गई है, तो सोचा चलिए आपसे शेयर कर देते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अमेजोन पे 9 दिसंबर से, दैट इज़ फ्रॉम टुडे, वार्डरोब रिफ्रेश सेल स्टार्ट होगी, जहाँ पर आपको अच्छी खासी डिस्काउंटेड प्राइस में सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट्स आज मैं दिखाऊंगी, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्टेड है, आप जाके मेरी स्टोर से बाय कर सकते हो हेवी डिस्काउंटेड प्राइस में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैंने लिप को मॉइस्चराइज कर लिया प्लम का लिप बाम से। जो कोल्ड गर्ल इफेक्ट है ना लिप में, वो इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पर लिप टिंट यूज़ कर रही हूँ, बेनी टिंट का। इसे मैं पहले लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी, देन उसे इस तरह से पैट पैट कर लूँगी ताकि मेरी लिप्स जो है काफ़ी फुलर दिखे। नेक्स्ट फेस पर जो है ना रोजी इफेक्ट देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेलाविटा ऑर्गेनिक का ये रोज़ ग्लो जेल क्रीम। ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है एंड स्किन पर एक रेडिश इफेक्ट सा देती है, एज यू कैन सी। सो इसे अप्लाई करने के बाद मैं लिप्स पर यूज़ कर रही हूँ, सॉरी फेस पर यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, दैट इज़ फ्रॉम मार्स। ये जो प्राइमर है ना हर स्किन टाइप पर सूट करती है एंड स्किन को बहुत अच्छी से प्राइम भी करती है, स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। तो इसे मैं मेरी टी जोन एंड चिक्स पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्वियसली फाउंडेशन यूज़ करूँगी। तो फाउंडेशन यहाँ पर फुल कवरेज फाउंडेशन लेना है ऐसा नहीं है, मैं मामाअर्थ का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये सीरम फाउंडेशन है, ये ड्यूई इफेक्ट देती है। तो पहले मैंने फिंगर्स से इस तरह से अप्लाई कर लिया, उसके बाद स्प्रेड भी कर लूँगी। मैं यहाँ पर अंडर आई एंड आईलिड के ऊपर भी इसे अप्लाई कर रही हूँ, मैं कोई भी कंसीलर आज यूज़ नहीं करूँगी। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, फाउंडेशन ब्रश से इसे अच्छी से इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ब्रश से मुझे ना सबसे ईजी लगता है, तो पहले मैंने फिंगर से पैट कर लिया, उसके बाद ब्रश से इसे अच्छी से ब्लेंड कर लिया। तो फाउंडेशन के बाद मैं यहाँ पर कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करूँगी अभी के लिए। तो आईब्रो पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट शुगर का ये आर्चर राइवल आईब्रो पेंसिल। दो मेरी आईब्रो जो है ना ग्रूम नहीं है, तो इस तरह से हल्का सा मैंने अप्लाई कर लिया। तो वो कोल्ड गर्ल वाला जो इफेक्ट है ना चिक्स पर, रेड रेड सा इफेक्ट लाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 का ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड ब्लश। एंड उसके साथ जो बेनी टिंट का मैंने लिप टिंट यूज़ किया था ना, उसे मिक्स करके मैं मेरी चिक्स एंड नोज़ पर इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। एंड उसे अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन ब्रश से उसे अच्छी से मैं ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसे क्या कर रही हूँ नोज़ पर, चिक्स पर, फोरहेड पर भी, थोड़ा सा चिन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। तो ये एप्लीकेशन, ये ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी से आपको करना होगा पेशेंसली। उसके बाद जो भी बचा कुचा था ना उसे मैंने क्या किया है, मेरी आईलिड पर इस तरह से अप्लाई कर लिया, पहले फिंगर से उसके बाद ब्रश से। एंड नेक्स्ट जो भी बचा कुचा अभी भी है उसे मैं लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी, अलग से कोई लिपस्टिक यूज़ नहीं करूँगी। इसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो ग्लिटरी आई शेडो, लिक्विड आई शेडो है, ब्रांड अभी मुझे याद नहीं आ रही है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसे लेकर मैं इनर कॉर्नर पर एज ए हाईलाइटर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, आई के इनर कॉर्नर पर, आईलिड के ऊपर, नीचे नोज़ पर, क्यूपिड बो पर मैंने इसे अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है लैश पैराडाइज का, बस सिंपली अप्लाई कर लिया। एंड थोड़ी सी आईलाइनर लुक के लिए मैं कलर बार का ये ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट विंक अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सब कुछ सेट करने के लिए मैं रेनी का ये फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर फेस पाउडर बहुत ही हल्का सा मैंने अप्लाई किया है, जस्ट टू सेट एवरीथिंग। एंड लास्टली लिप पर मैं श्विस ब्यूटी का ये लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड रेनी का ये पिंक वाओ लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। तो वो कोल्ड गर्ल इफेक्ट वाला इफेक्ट लाने के लिए मैं यहाँ पर कैप पहन लिया, एंड दैट्स इट फॉर माई टुडेज मेकअप लुक। सो गाइज, आपने देखा ना ये बहुत ही ईजी है, बस 5 से 6 मिनट लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ये मेकअप हो जाएगा। मेन जो चीज़ है ना वो चिक्स पर एंड लिप्स पर वो इफेक्ट लाना रेड रेड सा। तो आई होप आपने वीडियो इन्जॉय किया, आप लोग सीख भी गए। एज़ यूजुअल सारी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ये जो मेकअप है ना विदाउट कैप भी आप कैरी कर सकते हो। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।